हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े को नमस्ते, छोटे को ढेर सारा प्यार। मायापुर धाम जा रहे हैं टूर के लिए, तो ये हमारे दोस्त सुमन जी, ये धीरज झा, धनबाद बस स्टैंड से स्टेशन की ओर रवाना। दोस्तों, हम सब पहुंच चुके हैं हावड़ा जंक्शन पर। अब हम सब यहां से रवाना होंगे मायापुर की ओर, गंगा किनारे पहुँच चुके हैं। तो चलिए आप सबको नज़ारा दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिप हुआ हमारे फ्रेंड सब, हम लोग मायापुर धाम पर पहुंच चुके हैं। अब हम सब बोट पर चढ़ रहे हैं। ये हमारा बोट हुआ, देख रहे हैं आप, फॉरेनर है। तो ये हमारा फ्रेंड्स, हाय माइक माइक हाय चंडे की तरह किचन करने का मौका मिलेगा बाद। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सब गंगा की ओर स्नान करने जा रहे हैं। जैसे कि अब हम सब मंदिर की ओर पहुंच चुके हैं, मुख्य द्वार की ओर लेते हुए जाएंगे। ऐसे दिख रही है मंदिर कि द्वार को, यहाँ से पूरा पूरी दिख रही है। ये मंदिर का नज़ारा आप सब देख रहे हैं मायापुर धाम की, मुख्य द्वार की ओर हम लोग, हम सब पहुँच चुके हैं। ये नज़ारा रहा सबों के सामने। हरे बोल, ये देखिए विराट, व्हाट अ सीन। फॉरेनर भी आप सब देख पा रहे होंगे, ये फॉरेनर रहे। हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप सबको दिखाएंगे। चलिए, ये रहे प्रसाद हॉल। प्रसाद वितरण होगी। हम सब पंक्ति पर बैठे हुए हैं। ये रहा प्रसाद का आइटम। हम लोग महाप्रसाद की तरफ जाएंगे, ठीक है? हम लोग पूजे दौरा ना मेरे महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो दासि वैष्णवे, श्री पुण्य प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, पिंटू जी वहाँ बैठे हैं। अरे कौर से देखिए, ये धीरज प्रभु। ये हुआ आप सबों का इस्कॉन कैंपस, मायापुर धाम मंदिर। तो आप लोगों को भी दर्शन करा देता हूँ। अभी तक बन के पूरा पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। 2022 तक लगभग ये मंदिर पूरा होगी, उससे पहले आप सबों को दर्शन करा देता हूँ। तो ये कैंपस रहा, देखिएगा अगल बगल में बहुत सारे फॉरेनर रहते हैं। ये रही हमारे मित्र सब, यहाँ बैठ चुके हैं। चलो आगे। हेलो बस प्रभु, यहीं पे इसो ध्यान भवन दस
आप सबों को मैंने बताया था, जो आप सबों को मैं मायापुर धाम का टेंपल दिखाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था, तो आप सबों को लेके चलता हूँ। एक नज़ारा आप सब देखिए, ये टेंपल की ओर हुआ, अभी तक कंस्ट्रक्ट चल ही रही है, हम सब जा रहे हैं देखने, तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ। बहुत ही हाइट में है, बहुत सब वर्ल्ड लार्जेस्ट टेंपल है ये। यहीं से एंट्री है, ये हाइट देखिए टेंपल के नीचे से, बहुत ऊंचाई है। What a scene! Amazing! Oh Lord! Yeah! Of course, you can see how much height it is. कितना height है? आप सब देख सकते हैं। I never thought it. Amazing. कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे भी नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। चलिए आप सबको भगवान की प्रतिमा को दिखाते हैं। आप सब देख रहे होंगे, ये प्रतिमा शायद कृष्ण भगवान की है। चलिए यहाँ से आप सब दर्शन कीजिए पूरा पूरी मायापुर धाम, यहाँ से पूरा पूरी नज़ारा दिख रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को मायापुर कैंपस में दिखाने वाला हूँ, तो आप सब फुल्ली देख लीजिए। यहाँ पर जैसे हरि कीर्तन वगैरह आप सब कर सकते हैं, ये बिल्डिंग सब बुकिंग करा सकते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो आज बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ था यहाँ पर, तो इस प्रोग्राम में प्रसाद महाभोग वगैरह सबको वितरण किया गया, सब सभी पार्टिसिपेट हुए थे। तो सबको आगे की ओर जैसे कि वहाँ पे आप सब कुछ आपने देखा, और ये बिल्डिंग अभी बन ही रही है, कंस्ट्रक्शन फुली कंप्लीटेड नहीं हुआ है। इधर रिसेप्शन वगैरह है, लॉजिंग फूडिंग सब चीज़ व्यवस्था यहाँ पर है किया गया है। ऐसा करता हूँ आप सबों को पूरा कैंपस का नज़ारा दिखा सकूँ। ये रहा गार्डन, बहुत बड़ा कैंपस है, अप टू 600 एकड़ तक फैला हुआ है ये कैंपस, ये मायापुर चंद्र गिफ्ट हाउस। चलिए मंदिर की ओर आप सबों को लेते हुए जा रहा हूँ। फिलहाल मंदिर अभी ये इस बिल्डिंग पर, यहाँ पर प्रसाद वितरण होती है, यहाँ प्रसाद
फिलहाल इस ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आपके सामने पिंक कलर का, यहीं पर शिफ्ट है। अभी मंदिर इसी में है, जब तक कंस्ट्रक्ट ना हो जाए पूरा पूरी तब तक तो इसी में ही। आज नहीं तो 6000 अप टू भक्तों यहाँ पर जमा हुए थे सुबह को, जैसे कि अभी आप सब लोग को देखने को मिल रहा है। अभी तो खाली खाली है क्योंकि अभी अप टू 12 o'clock हो रहे हैं। ये रहा मंदिर का नज़ारा, अभी तक कंस्ट्रक्ट फुल्ली कंप्लीटेड नहीं हुआ है। 2022 तक अनुमान लगाया गया कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। यहाँ पर महाप्रसाद वितरण होती है, यहाँ पर लाइन लगाया जाता है सुबह सुबह, दो टाइम शायद प्रसाद वितरण होती है ना समझिए। यहाँ पर आप सबको सुबह सुबह मॉर्निंग आरती के लिए और शाम आरती के लिए लाइन लगाना पड़ेगी। जो अब देख रहे हैं बगल, ये जो महाराज जी दिख रहे हैं, प्रभु सुमन प्रभु जो हाथ में लिए हुए हैं, तो ये महाप्रसाद है। आप सबको कितना पड़ी है सुमन प्रभु जी? 70 rupees मिक्स प्रसादम है, इसमें आपको रसगुल्ला मिष्टी ये सब आपको इसमें इंक्लूड है। इसमें 70 rupees ये बोले 70 rupees पड़े ना, ये दो क्वांटिटी में है, 70 rupees और 100 rupees में आती है, तो आपको जैसा जैसे आप ले सकते हैं। तो ये गार्डन रहा, बहुत बड़ा ये प्लॉट है, अप टू 600 acres आई थिंक। यू कैन सी देयर वन फॉरेनर चैंटिंग देयर। यही बिल्डिंग में अभी फिलहाल मंदिर शिफ्ट है, मेरे ख्याल से बहुत पुराना ही मंदिर है, अभी फिलहाल न्यू मंदिर 2022 तक इंतज़ार करना पड़ेगा हम सबों को। तो चलिए आप सबों को कंस्ट्रक्ट हुआ बिल्डिंग आप सबों को दिखाता हूँ। ये झरना का दर्शन, झरना बहुत खूब सुंदर है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब झरना का मजे उठाएंगे। ये रहा गार्डन, बड़ा गार्डन है, यहीं का फूल भगवान के चरण में अर्पित किया जाता है, यहीं का फूल सजाया जाता है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा बाग है, उधर तरफ आपको नहीं दिखा सकता, तो यहीं पर आप देख सकते हैं। ये रहा बाग नज़ारा, देख सकते हैं। टेंपल का यहाँ से नज़ारा है, यहाँ पे आप सबों को सब चीज़ की व्यवस्था मिलेगी, यहाँ तक कि टॉयलेट आप फ्री में, प्रसाद भी वितरण होता है ना प्रभु जी। तो आप सब यहाँ आ सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, हाँ आनंद उठा सकते हैं इस जगह का। नाम है स्टेशन का नवदीप स्टेशन से, आप वहाँ से बोट ले सकते हैं जिसका कॉस्ट 4 rupees पड़ता है, उसके बाद आप मायापुर धाम में एंट्री कर सकते हैं। नवदीप धाम ना, नवदीप धाम से आपको बोट पकड़ के, नाव पकड़ के जिसका किराया 4 rupees है, उससे उसके द्वारा आप मायापुर धाम तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद आप बोट से उतरने के बाद आपको टोटो ले लीजिए, टोटो का किराया 10 rupees समथिंग है, तो आप उसके वहाँ से आप डायरेक्ट मायापुर धाम के लिए आ सकते हैं। उसके बाद गंगा पर स्नान करके आप यहाँ पर आरती, अपने अपने मन को शुद्धिकरण कर लीजिए, और करने के बाद आप इस्कॉन टेंपल में आएं। और आप सब भक्तों की संग रहेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। ये यही रहा टेंपल का स्ट्रक्चर, फाउंडेशन लेड इन 1972 ना, शिला प्रभुपाद फाउंडर बाय इस्कॉन ना, मंदिर शिला प्रभुपाद का समाधि है, हम वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं।
यह पूरा पूरी मंदिर का स्ट्रक्चर। अब सब लोग आ जाओ एक साथ, इधर आ जाइए। बहुत नज़दीक दिखती ये टेम्पल। हम सब का दर्शन सक्सेसफुल रहा, अब हम सब घर की ओर रवाना होते हुए। चलिए अब तक क्या रहा है बोलिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अद्भुत अद्भुत एहसास रहा, अद्भुत एहसास रहा। तो मैं आशा करता हूँ आप सब भी यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, भक्तों के संग दो दिन रह के देखेंगे। चलिए यहीं से मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू।